और अब बात, क्या सस्पेंस आज ओवर हो जाएगा इसकी? जी हाँ, रायबरेली और अमेठी को लेकर बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक जयराम रमेश ने बयान दिया है और कहा है कि सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है कि अमेठी सीट हो या रायबरेली सीट, यहां से किसे उतारा जाए ये उनके अधिकार क्षेत्र में। हम चाहते हैं राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे, यहां से लड़े। जयराम रमेश ने अपनी भी इच्छा जाहिर की। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़े। जयराम रमेश ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर अपनी पसंद बताई और उसके बाद ये कहा कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में फैसला है वो किसे यहां से अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों से मैदान में उतारते हैं। लेकिन फिलहाल अपनी पसंद बताते हुए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की डिमांड बताते हुए उन्होंने यही कहा कि अमेठी से हम चाहते हैं राहुल गांधी मैदान में आए और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़े। अब होगा क्या क्या नहीं, आज इसलिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या आखिरकार सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्या आखिरकार आज ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कम से कम आज तो इस सस्पेंस से, इस रहस्य से पर्दा उठा दिया जाएगा कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से। अब इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि आखिरकार अमेठी से और रायबरेली से, ये दोनों ही सीटें दरअसल कांग्रेस की गढ़ हैं, ऐसे में राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली से सोनिया गांधी के बाद किसे मैदान में उतारा जाता है, किस पर भरोसा जताया जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम फिलहाल यहां पर बार बार उछाला जा रहा है, डिमांड की जा रही है कि अमेठी और रायबरेली में हम चाहते हैं गांधी परिवार, इस तरह की मांग वहां पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार करते आए हैं। क्या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की इस मांग को मान लिया जाएगा, क्या वाकई में राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे या फिर वायनाड तक ही वो अपने आप को सीमित कर लेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या अपनी माँ सोनिया गांधी के बाद यहाँ पर रायबरेली की जनता का वही प्यार वही विश्वास हासिल कर पाएंगी, क्या उनको लगता है, और क्या इसी कदम पर वो मैदान में उतरेंगी। फिलहाल तो सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है, ये बात जयराम रमेश की तरफ से, ये बयान जयराम रमेश की तरफ से दिया गया है, यानी कि अब इंतजार कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। अब देखिए कांग्रेस के लिए दोनों तरफ इस तरह की स्थिति है, अगर वो राहुल गांधी को अमेठी से, प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से उतारते हैं तब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के इन दोनों गढ़ों में, कांग्रेस के लिए साख का सवाल हो जाएगा फिर जीत हासिल करना, और अगर नहीं उतारते हैं तो बीजेपी एक बार फिर से हमलावर हो जाएगी कि देखिए डर गए, नहीं उतारा दोनों सीटों पर इन दोनों में से किसी को। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा, बिल्कुल औपचारिक तौर से, औपचारिक तौर से, ऐसे तो कोई कई अफवाहें हैं, औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार है कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। सर आप कह रहे हैं आधिकारिक घोषणा, लेकिन जो लोगों की कांग्रेस कार्यकर्ता, नहीं हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है, राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार, हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर, हमारे जो हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं, तो ये भी सच है, पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है।